हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आई अपने आंखों को बंद करेंगे और खुदा का धन्यवाद करेंगे कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए प्रभु की आराधना करने को, प्रभु की महिमा करने को। आइए आज अपने हृदय को आज हम तैयार करें ताकि जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हम प्रभु के उस स्पर्श को महसूस करने पाए। अपने हृदय को आज हम तैयार करें ताकि जब हम आज वचन को सुनते हैं तो वो जो वचन है वो हमारे जीवन में कार्य करने पाए। आइए प्रभु को धन्यवाद करें उन बातों को याद करके जो प्रभु ने हमारे लिए करी है। आइए अपने गुस्से में अपनी आवाजों को हम उठाएंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो महान खुदा है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। ये समय है हमारे कुछ बात को भूल के अपने ध्यान से यीशु मसीह पे आज हम लगाएंगे। और आज हम यहाँ पे अगर आए हैं तो प्रभु की योजना है कि आज हम यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्रभु ने कुछ हमारे जीवन में सोच के रखा है जो प्रभु हमसे चाहता है कि वो हम करें। आइए आज हमारी प्रार्थना होने पाएगी, खुदा आज मेरा यहाँ पे आना, पिता आप मुझसे बात करें, खुदा आप मुझे बताएं कि पिता आपके मेरे जीवन के लिए क्या योजना है, खुदा कि आप क्या चाहते हैं मेरी लाइफ से, खुदा कि मैं वो आपके लिए करने पाऊं राजा। मैं कुछ अपनी आवाज को उठाएंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अगर आपको प्रार्थना करनी नहीं आती हो तो हम प्रभु को सिर्फ धन्यवाद करेंगे हर एक उस बात को याद करके जो आज तक प्रभु ने हमारे लिए करी है और जो आगे भी करेंगे। उनका जो प्रेम है, जो उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, उस बलिदान को आज हम याद करें और प्रभु को धन्यवाद करें। खुदा आपके राधना करता महिमा करते हैं खुदा आज अपने में सुंदर मौका दिया पिता कि हम सब यहाँ पे जवान इकट्ठे होने पिता और आपकी आराधना करें पिता उस रात का धन्यवाद करते हैं राजा पिता अपनी सुंदर दिन दिया पिता कि हम सब एक मन हो कि पिता आपकी आराधना करें पिता आपने हमें चुना है पिता उस रात का धन्यवाद करते हैं राजा खुदा इस प्रार्थना और आज के समय को पिता आपके हाथों में हम सौंपते हैं खुदा आपकी इच्छा स्थान पे पूरी होने पाए खुदा खुदा इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य नाम मानते हैं सबने मिलके कहा आमीन। भजन संहिता 150 और सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन बताती है परमेश्वर की स्तुति करो, या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंह भुगते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डब बजाते हुए और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। आमीन। हालेलुया। आज कितने लोग आनंदित हैं? सब लोग नहीं है? सबके चेहरे में स्माइल नहीं है? जोर से बोल के हालेलुया, 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 चिल्लाकर हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे उस समय। हम जानते हैं खुदा कि आप कुछ अद्भुत आज हमारे जीवन में करने जा रहे हैं खुदा। खुदा उसके लिए पिता हम अभी से आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, उस बात को आज हम रिसीव करते हैं खुदा। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि पिता मैं आज आपको देखना चाहता हूँ खुदा, खुदा मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप रिसीव होने के भाव में नहीं आएंगे तब तक प्रभु आपसे बात नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आज हम प्रार्थना के भाव में बने रहें, हर एक उस बात को भूल कर कि हमारे पास कौन बैठा है, हम कहाँ हैं, हम अपने उस स्वर्गीय पिता से आज हम बात करें। तू ही मार्ग है,
Thank you.
Yeah.
हमेशा कहता हूँ जब हम आराधना करते हैं ना, कभी कभार हमें क्या लगता है ना कि हम सिर्फ गीत गा रहे हैं, है ना, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि जब हम जो गा रहे हैं उससे क्या है ना, शैतान बहुत डरता है। और जो प्रॉब्लम्स हमें लगता है ना कि जो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में है, कभी कभार लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसे है, तो होता क्या है, शैतान आपको दिखाते हैं कि देखो प्रॉब्लम्स हैं, बट वो होती नहीं है। तो जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, जब हम जोश के साथ, आनंद के साथ हम प्रभु की आराधना करते हैं ना, तो शैतान देखता है यार ये क्या कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहता कि हम उसको दिखाएं कि उसकी उसकी जगह, कोई बताएगा उसकी जगह कहाँ पे है, पैरों के नीचे, है ना। और वो क्या है ना, वो पैरों के नीचे से बस ऐसे करता रहता है कि मैं देखो तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम जोश के साथ, जॉय के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे, तो वो देख के वैसे क्या है ना, थर थर काम जाता है। हालेलुया। तो अब हम जब उसको गाएंगे, मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर लगना ऐसी एक्साइटमेंट है ना कि आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओके, एक चीज करते हैं, यीशु मसीह की, मजा नहीं आया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ओके, थोड़ा सा देखते हैं, शुरू करते हैं। Thank you.
बार करता है, कभी कभार हमें लगता है कि पता नहीं हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्या है ना, लेकिन प्रभु वचन में कहा है ना कि हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ दें लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हो सकता है किसी भी सिचुएशन से होकर हम निकल रहे हैं लेकिन प्रभु हर पल हमारे साथ है। हालेलुया। जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हमें देख रहा होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी सो रही है। हालेलुया। कितनी महान बात है ना, कितना हमसे प्यार करता है। हम इस बात को कभी रियलाइज भी नहीं करते हैं, हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी हैं, है ना, लेकिन प्रभु हर पल हमारे साथ है। बस वो वेट कर रहा होता है कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी मुझ पर विश्वास करें, मुझसे बात करें, है ना। तो आज हमारे बीच में डुबो अंकल हैं, अभी वचन को शेयर करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की जो मीटिंग है प्रभु कुछ अद्भुत हमारे बीच में करने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक और गीत को हम गाएंगे, सॉन्ग है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। हालेलुया। इस बात को मानते हैं? यस। हालेलुया। इस गीत को मिलकर गाएंगे, मुझे लगता है सबको गीत आता होगा ये वाला। हालेलुया। सबको आता है, सबकी आवाज भी आनी चाहिए। आएगी आवाज? यस यस। ओके, ताली बजाते हुए गाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। मिलके उड़ाता तो नाम है जो है।
प्यार ले भारी एक्चुअली जो सॉन्ग है ये जो जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है वो है महाराष्ट्र से हुआ है. तो अगर हम देखें महाराष्ट्र लैंग्वेज में ले भारी का मतलब होता है एकदम मस्त झकास, है ना. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यीशु का जो प्यार है वो क्या है, मस्त एकदम झकास, है ना. और जब हम बोल रहे हैं ले भारी तो कैसे करना है, ठीक है, सब ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ठीक है. जब हमको अच्छा देखते हैं तो ऐसे करते हैं ना कि वाह, है ना. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यीशु का जो प्यार है वो क्या है, एकदम मस्त है झकास, है ना. तो यहाँ पे मैं ऐसे करेंगे, ठीक है, रेडी है सारे. 1 2 3 Yeah.
प्यारा और दुलारा हम जैसे बच्चे को देखते तो करते हैं ना कि ऐसे ऐसे करते ना, तो मैं देख रहा हूँ कई लोग नहीं कर रहे हैं और अब आपको क्या करना है, अपने साथ वाले बंदे को देखना है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा है तो भैया कर, ठीक है? हालेलुया, ओके, 1 2 3 4 प्यारा सकते, अगर हम चाहते हैं हम घुटनों पे आ सकते हैं, हम चाहे तो खड़े रह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना के भवन बने रहे और प्रभु से बोले कि पिता से पहले हम वचन में जाएं, पिता हम अपने हृदय को तैयार करते हैं खुदा, ताकि आज का जो वचन है खुदा उसको हम जब उसको हम सुनते हैं तो वो हमारे परिवारों के जीवन में पिता हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। धन्यवाद करें खुदा कुछ समय के लिए, खुदा का धन्यवाद करेंगे, अपनी आवाजों को उठाएंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे हर एक उस बात को भूल के कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ पे हम हैं, हम उस पिता से आज हम बात करें। Yes, thank you Jesus। आइए मुंह खोलकर धन्यवाद देंगे परमेश्वर। Hallelujah, धन्यवाद हो परमेश्वर। आइए अपने मुंह खोलकर धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। वो एक महान और सामर्थी परमेश्वर है। ओ, वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। उसकी आराधना करिए, मुंह खोलकर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, चिल्ला कर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। उसने आपके जीवन में बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, ओ महान और सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू ना बदलने वाला परमेश्वर है, तू याकूब का परमेश्वर है, तू एक सच्चा खुदा है, तू राजाओं का राजा है परमेश्वर। हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, सच्चे दिल से आपकी आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद हो, मुखों के धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर को, धन्यवाद दीजिए, आदर और सम्मान दीजिए, जिसके वो योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है। मुखों के धन्यवाद दीजिए, चिल्लाकर उसके नाम का जयकार करिए, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, चिल्लाकर धन्यवाद दीजिए। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति मुख होकर उस सच्चे नाम को ऊंचा करे, वो जिसके योग्य है। तू बढ़ता जा मैं।
योग्य समझा खुदा कि आपने वो लहू हमारे लिए बहाए, इसलिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। पिता वो लहू बहुत कीमती था खुदा, उस लहू को आज हम याद करते हैं खुदा। सारी दुनिया
धन्यवाद यीशु।
रखेंगे, प्रभु को बंद रखेंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना के बाहन बने रहेंगे, प्रभु को याद करेंगे। प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की आप आवाज़ को सुने, तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने स्वर्गीय पिता से आज हम बात करेंगे, क्योंकि वो इस इंतजार में है कि आप पिता से बोले, पिता मैं आपको छूना चाहता हूँ। वो आपको गले से लगा लेंगे, वो आपके पास खड़े हैं इस इंतजार में कि आप प्रभु से कहें कि पिता मैं चाहता हूँ आप मुझे गले से लगा लो। खुदा आइए आज हमारी प्रार्थना हो पिता कि मुझे सिर्फ तू चाहिए खुदा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए खुदा। हर एक हम पिता हमें ये संसार नहीं चाहिए पिता, हमें सिर्फ तू चाहिए, क्योंकि पिता तू हमारे लिए पिता महत्व रखता है। खुदा प्रभु से आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे, हर एक उस बात को भूल के, हर एक उस डिस्ट्रैक्शन को भूल के आज हम उस पिता से हम बात करेंगे। चाहे तू यहाँ पे कर, हाले
आज अपनी आंखों को हम बंद रखते हैं खुदा। पिता आज हमारी पिता ये प्रार्थना है कि पिता जब आप हमारे पास आए खुदा, तो पिता हम अपनी आंखों को बंद कर ले पिता कि आप हमसे दूर ना जा पाए। पिता पिता हम जानते पिता आप हमारे पास खड़े हैं, पिता आप हमसे बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ हम प्रार्थना को हम बन बना रहेंगे प्रार्थना के भाव में, और मैं चाहता हूँ कि पिता से आज हम ये बोले कि पिता मैं चाहता हूँ पिता आप रूह भले से लगा रहे खुदा आज। पिता से आज प्रार्थना होने पाएगी पिता आप मुझे गले से लगा लो। आँखों को बंद कर लो यीशु तुझे जाने ना दो, आँखों को बंद कर लो यीशु तुझे जाने ना दो, आँखों को बंद कर लो यीशु तुझे जाने ना दो, आँखों को बंद कर लो यीशु तुझे जाने धन्यवाद करते हैं पिता। पिता आपने समय पहले से पिता नियुक्त किया हुआ था पिता कि हम सब यहाँ पे
इस समय पिता आपकी आराधना करें और आपके उस स्पर्श को महसूस करें खुदा, उसका आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। पिता हम सारा आदर सारा सम्मान पिता हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य और मीठे नाम मांगते हैं। सबने मिलके कहा आमेन। यीशु प्यारे, ओके, जिनको नहीं आता है सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोरे संग रहो महाराज, अब तुम लाखो मोरे राज, अब तुम लाखो मोरे राज, विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोरे संग रहो महाराज, अब विश्वास है प्रभु कि आज यहाँ पर जितने भी जवान मौजूद हैं प्रभु, हर कोई पिता अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करेगा प्रभु, और हर कोई आपको अपने उद्धार के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा प्रभु, ये हमारा विश्वास है पिता। आज यहाँ पर जो कोई भी मौजूद है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक जीवन यीशु के नाम से बचाया जाए पिता। आज जब वचन दिया जाएगा हमारे अंकल के द्वारा प्रभु, तो वचन हर एक जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आगे की सभा को हम आपके हाथों में समर्पित करते, विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं आज की इस भेंट के लिए प्रभु। पिता आप जानते हैं कि लोगों ने किन परिस्थितियों से पिता अपने हाथों को खोला है प्रभु, उन्हें दीजिए कि आप हर एक को प्रभु आप आशीषित करिए पिता, और पिता हर एक के घराने पर आपकी आशीष होने पाए, और पिता हर एक प्रकार की कमी घटी यीशु के नाम से
दूर होने पाए। आप अपने लोगों के लिए अपने स्वर्गीय भंडार से हर एक आवश्यकताओं को पूरा करिए मेरे प्रभु, और पिता इनके सारी मन की लालसाएं आपकी इच्छा के अनुसार पूरी होने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। हम धन्यवाद देते हैं हर एक को आशीष करने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज के हमारे गेस्ट के लिए प्रभु। आगे की सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, और इस स्मृति को हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।